अबिनशतरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं सन्यासी हकीम सैयद अहमद चौहान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह आपके रिज़्क़ के माल में बरकत अता फरमाए। दोस्तों, सबसे पहले आपसे गुजारिश होती है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर किया है तो आपकी बड़ी मेहरबानी। और जो नए दोस्त नए आने वाले इस चैनल को पहली मरतबा देखते हैं तो हम उनसे भी गुजारिश करते हैं, मेरे भाइयों आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हम जितनी हमारी तमाम वीडियोस आती हैं आप तक आपको मिलती रहेंगी और शायद आपके किसी दुख में हम काम आ सकें। नाज़रीन, आपने बड़े बड़े हकीमों से सुना है, देखा है वीडियोस वगैरह कि वो तिला बताते हैं। हर किसी के पास अपना अपना नुस्खा जात होता है, लेकिन हम सन्यासी हैं, हमारे जो बाप दादा से जैसे हमारे पास किताबें हमें मिली, जैसे नुस्खे हमने सीखे, हम वही आप लोगों की खिदमत में पेश करते हैं कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं मेरे भाइयों कि ज़िंदगी ने किस मोड़ पे साथ छोड़ जाना है। आज बैठे हैं, कल नहीं होना। तो ये हमारा बताया हुआ नुस्खा आप बनाओगे तो ज़िंदगी में याद करोगे। तो आपसे भी मेरी गुजारिश होती है कि आप भी अगर कोई भाई कहीं काम कर रहे हैं कोई इकट्ठे, तो एक दूसरे को अपना दिल का हाल शेयर कर रहा है, उसको मर्ज़ है, तो प्लीज़ ये मेरा नुस्खा उसको भी बता दिया करो कि किसी का भला हो जाए। तो आज मैं जो आपको तिला बता रहा हूँ ये है जिन लोगों ने मुश्तज़नी करके नफ्स को कमज़ोर किया हुआ है। तो लोग कहते हैं कि जी मुझे आगे की तरफ नफ्स की जो टोपी होती है ये मोटी होती है, जो पीछे की तरफ होती है ब्रीक पेन की तरह होती है, ठीक है ना, आगे मोटी होगी पीछे ब्रीक होगी। तो इन्होंने अपने गलत कार्यों की वजह से, क्योंकि हमारी वीडियोस कुछ बहरहाल हम वो बात कुछ अपने दायरे के अंदर रखें, झलकबाजी कर करके इन्होंने अपने आप को सत्यानाश किया हुआ होता है। तो जिन लोगों के साथ ऐसा है कि उनका नफ्स आगे मोटा पीछे पतला है और वो चाहते हैं कि ऐसे बराबर जैसे खीरा या मूली एक जैसे होते हैं, बराबर रगें मारी हुई हैं, या जिन लोगों के बस वो गोलियां वगैरह जो कुछ भी खाते हैं तो ढीला होता है, जाते हैं तो फौरन फ्री हो जाते हैं, या फिर इंतशार नहीं होता, ढीलापन है, या अंदर डालते ही छूट जाते हैं, तो ये सिर्फ तिला है उन लोगों के लिए। मेरे भाइयों, आज बनाओ, आज से इस्तेमाल करो। क्यों आप हकीमों को हज़ारों रुपए खर्च करते हो? अगर पैसा बहुत है तो आप हमसे बनी बनाई दवाई मंगा सकते हो। तो आपने सिर्फ इसकी पट्टी बांधनी है जो मैं आपको दवाई बता रहा हूँ, इसको मलम बनाओ, पट्टी बांधो, रात को ऐसे पूरे नफ्स पे लगा दो, ऊपर जो पट्टी आम बाज़ार में मिलती है जिसे ज़ख़म के ऊपर डॉक्टर हजरात लगाते हैं वो ले लो, वो इसके ऊपर एक दो मर्तबा ऐसा लपेट कर उसको थोड़ी सी गांठ दे के बंद कर दो, ज़्यादा टैड नहीं दो कि आप छोटे पेशाब करने के लिए जाएं तो फिर आपको तकलीफ़ हो, जो नॉर्मल तबीयत के मुताबिक वो दे दो। जिन लोगों के ये नफ्स अंदर घुसा हुआ है या जैसे इंतशार होता है आगे मोटा तो दरमियान पीछे की तरफ पतला है पिन की तरह, तो इंशाल्लाह सिर्फ 11 दिन करना है, बिल्कुल बराबर हो जाएगा, वरना शिफा मिन जानिब अल्लाह, जो आप इस नुस्खे पे ऊपर पैसा खर्च करोगे वो मुझसे मंगा सकते हो अगर आपको फ़ायदा ना हो। अगर फ़ायदा हो जाए तो कमेंट्स में ज़रूर लिख देना, हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करो और कमेंट्स में ज़रूर लिखना कि हकीम साहब हमने आपका नुस्खा आजमाया है और हो गया है, क्योंकि ये कमेंट्स आप लोगों के जो भाई पढ़ते हैं तो एक दूसरे ये नुस्खा समझो कि शेयर हो जाता है, ठीक है। तो आपने लेना क्या है और बनाना क्या है, आपने लेना है 50 ग्राम अक्कड़ कड़ा, ये लकड़ियाँ होती हैं, आपने इसको नाजरीन ये अक्कड़ कड़ा है, ये देखें ये लकड़ी होती है और ये खाने में थोड़ा सा तीखा, इसको
मुमसिक कहा गया है, कुव्वत बा के लिए। ये फालिज वालों को भी हम देते हैं, हम तो बहुत से मरीजों के काम आता है, लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं ये सिर्फ तिला बनाने का तरीका बता रहा हूँ। तो आपने मेरे भाई ऐसे मोटा मोटा लेना है, देखो अब आपने इसको, ये जो मैंने 50 ग्राम बताया है ये 11 दिन की दवाई बनती है। हमसे जो बाहर के लोग मंगवाते हैं तिला, जो इस चीज़ का मैंने तजर्बा किया है, 50 ग्राम वो इसका पाउडर बना लें, क्योंकि 11 दिन की खुराक बनानी है। इसका पाउडर पंसारियों से उनके पास चिकी होती है, उनका बिल्कुल पाउडर बन जाएगा, फिर उसको कपर छान कर लो, ये मैदे की तरह हो जाता है। अगर कोई इसमें ऐसे छिलका विलका है तो उसको निकाल के फेंक दो। अब आपने करना क्या है, रोज़ाना के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। अच्छा, इसका जो अक्कर कड़ा का पाउडर है ये आपने 50 ग्राम का लेकर जमा रख दिया है। अब आपने आधा पाव सफ़ेद प्याज, प्याज वालों के पास चले जाओ, उनके पास सफ़ेद मोटे मोटे प्याज होते हैं, वो ले लो, उनका छिलका उतार कर, उनको अगर सहूलत है तो उसका पानी निकालो, यानी कि वो कूट कर, जब वो कूट जाता है तो उसको कपड़े में डाल के, ऐसे कपड़े में डालोगे, फिर इसको जब ऐसे निपीड़ोगे तो वो पानी नीचे बर्तन के अंदर जमा करो, उसको फिर बोतल में पा के तकरीबन 200 ग्राम पानी रख दो। अब आपने शाम से स्टार्टिंग करना है, तीन चीज़ें आपके पास हो गई, एक पट्टी हो गई कपड़े वाली, एक हो गया अकरकरा का पाउडर हो गया, दूसरे हो गया पानी, सफ़ेद प्याज का पानी। अब आपने एक चम्मच ये अकरकरा डाल दिया, ठीक है, ये पाउडर डाल दिया हमने। अब हम पानी लेंगे, उतना डालेंगे इसमें जितना सिर्फ इसकी मलम बन जाए, यानी कि जैसे क्रीम नुमा मलम बन जाए। अब आपका नुस्खा तैयार हो गया, अब वो मलम अपने नफ्स के ऊपर टोपी को छोड़कर तमाम जगह पर नीचे ऊपर लगा दो, वो थप दो, यानी पानी उतना डालना जो सिर्फ चिपक जाए साथ में, वो ना हो कि पानी ज़्यादा हो लगाने से नीचे गिर जाए, नहीं नहीं मेरे भाइयों, जब ये ऐसे लग जाएगी उसके ऊपर वो पट्टी बांध दो आराम से, ठीक है, नीचे उतरने गिर ना जाए इस चीज़ का ख्याल रखना है। पानी वैसे डालना है जैसे आप, हर बंदा मेरा भाई समझदार है, इसको दो तीन लपेट कर इधर एक गांठ दे दें, छोड़ दें, रात को सो जाएं, सुबह जब उठें तो इस पट्टी को खोलें, इसको उस पट्टी से इसको खुरच कर नीचे फेंक दें। गरम नीम गरम पानी के साथ इसको धोना है, ख्याल रखना है कि ठंडे पानी के साथ नहीं धोना, ठंडे पानी से बचना है, इसको बचाना है, क्योंकि ये रगें हैं, ये खून चला रही हैं, इन्होंने, इसने सोई हुई रगों को इसने चलाया है, जो पट्टे सोए हुए हैं जाम हैं। अब आपने नीम गरम पानी से धोना है, बस ये 11 दिन अमल करना है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जब ये अमल करोगे तो उस वक्त रात के वक्त इतना होशियारी होगी, ये नहीं है कि कुछ कुछ लोग ना, मैं, मेरे पास फ़ोन है जी रात को इतनी होशियारी हुई टैड, मैंने कहा आज तक तो ऐसी होशियारी हुई नहीं, चलो उसने बीवी को, तो मेरे भाइयों इस चीज़ से परहेज़ रखना है। और उम्मीद करता हूँ आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखोगे, नुस्खे को बनाओगे, जो बात समझ ना आए मेरे भाइयों मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको खुश रखे, तंदुरुस्ती फरमाए।